चाहिए तो सड़क चाहिए, वोट चाहिए तो सफाई चाहिए, वोट चाहिए तो बिजली चाहिए और वोट चाहिए तो गली चाहिए, अगर ये नहीं तो वोट नहीं। 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। यही हाल है फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 62 का, हसमत नगर का, जहां कई सालों से ना तो सड़क बनी, ना नालियां है और ना ही बिजली के खंभे, ना ही साफ सफाई। कहने को तो फिरोजाबाद का नगर पालिका नगर निगम हो गया और फिरोजाबाद शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिल गया और नगर निगम को 4 साल पूरे भी हो गए और नगर निगम की मेयर और नगर निगम के अधिकारी ये दावा करते हैं कि उन्होंने 4 साल में बहुत ज़्यादा कार्य कराए हैं, जिससे फिरोजाबाद की जनता खुश है। लेकिन ज़मीनी हकीकत देखी तो वार्ड नंबर 62 हसमत नगर में रहने वाली क्षेत्रीय जनता काफ़ी परेशान थी। महिलाओं और पुरुषों का कहना था कि ना तो यहाँ सड़कें हैं, ना गलियाँ और ना ही साफ सफाई, और ना ही अभी तक बिजली के खंभे लगे। जब तक यहाँ विकास नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। ये वोट ले लेकर चले जाते हैं और अपनी राजनीति करते हैं, काम कोई कराने नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। अफसाना जी, ये हसमत नगर की स्थिति देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब है। कब से ऐसा है? 8-10 साल से गंदगी है और सब लोग, अब बच्चे करीब खत्म हो गए, 1.5 साल का तो मेरे बेटा खत्म हो गया सरकारी हॉस्पिटल में आगरा में, समझ लो। अब इतनी गंदगी है, जब तक वोट मिलेगा, जब रोड मिल जाएगा, जब और बिजली मिलेगी, जब वोट मिलेगा, सफाई मिलेगी तो वोट मिलेगा, वरना वोट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा रहमत अली। अहमद जी, क्या दिक्कत आ रही है वार्ड नंबर 62 में? ये सड़कें खराब है, क्या परेशानी है? सर नहीं, हमें यही परेशानी, आप देख लो, हम झूठ बोल रहे हो तो ये हो रहा है, देखो चले आके आगे हमारे मकान पे, तो ये नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए, इसलिए की चले। कब से? हर वक्त ही होते रहते हैं। अच्छा, मेयर और अधिकारी कह रहे हैं नगर निगम के, उन्होंने पूरे फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बना दिया। हम खुद डीएम के पास गए, नगर निगम में गए, हम 30-40 आदमी, लेकिन वीडियो भी यहाँ बना के ले गए, आज तक हो गया। वार्ड नंबर 62 में हसमत नगर एक जगह है जहाँ लोग वोट को लेकर कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे अगर सड़क और नाली और सफाई की व्यवस्था नहीं की गई, तो क्या कार्य कराया जा रहा है आपके द्वारा नगर निगम द्वारा? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हसमत नगर में लास्ट हमारी 15वीं की बैठक में 20 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जो कार्य अभी प्रोग्रेस में है। इसके अतिरिक्त उनके और गलियों के जो एस्टिमेट्स हैं, जो अभी अपूर्ण हैं, वो अगली बैठक में रखे जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो धनराशि है उसको हमें 70 वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर देना पड़ता है, तो इस बात से आप आश्वस्त रहें कि नगर निगम जो है हर संभव प्रयास कर रहा है कि हर जगह हम विकास करा पाएं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हम ये कार्य करा पाएंगे। वहाँ के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने डेमोक्रेसी में जो आपको राइट मिलता है वोट करने का, उससे पीछे ना हटें। जो नगर निगम द्वारा कार्य किए जाने हैं वो नगर निगम ज़रूर करेगा। जैसे ही हमको 15वीं की अगली धनराशि आएगी, हम जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग कर उसमें हम कार्य लगाना शुरू करेंगे। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।